गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इंटीग्रेशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और आगे चल करके डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो आज डिफरेंशिएशन हम क्लास ट्वेल्थ का पढ़ने जा रहे हैं, जबकि इलेवेंथ का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। और इलेवेंथ क्लासेज में हमने सारा फार्मूला को फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होना वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा उम्र में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर कोई सर्किल है, ठीक है, तो इसका रेडियस ये हो गया, ये सर्किल है तो इसका रेडियस ये हो गया, है ना। तो अगर स्मॉल रेडियस होगा तो उसका सर्किल भी स्मॉल होगा, अगर रेडियस बड़ा होगा तो उसका सर्किल भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस को बढ़ाएं तो उसका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं dA/dr, यानी कि किसी के दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंजिंग होना, है ना। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेडियस में अगर चेंज करते हैं तो उसके एरिया पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, है ना। रेडियस में चेंज करते हैं तो उसके एरिया पर क्या होता है, फर्क पड़ता है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। रेडियस छोटा तो एरिया छोटा, रेडियस बड़ा तो उसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होना वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जनरली हम लोग dy/dx बोलते हैं। तो dy/dx का मतलब अभी जो हम लोग सीखेंगे कि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब हम यही इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग हो रहा है, तो x में चेंजिंग होगा तो y में भी चेंजिंग होगा। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, कोई भी फंक्शन है, तो मान लेते हैं कि a small del x change इन एक्स, अगर एक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है वो क्या है, डेल एक्स, एंड तो अगर एक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है डेल एक्स, तो देन कोरस्पॉन्डिंग डेल वाई चेंज इन वाई, है ना, y में चेंजिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू 2x+3 दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे, x में चेंजिंग करेंगे, तो हमारा y में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। x में अगर चेंजिंग करेंगे तो y में भी चेंज होगा। तो वही यहां पर लिखें कि डेल x में चेंज किए हैं, कितना x में क्या, कितना चेंज किए हैं, डेल x, थोड़ा सा चेंज हुआ है तो y में भी चेंजिंग होगा डेल y। तो y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो अगर हम x में चेंज करते हैं तो y में हमारा क्या होगा, चेंज होगा डेल y, यहां पर क्या हो गया, x प्लस डेल x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा मेरा, y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x, y से y कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया डेल y, क्लियर है, इक्वल टू यहां पर माइनस किए हैं तो यहां एफ एक्स हो गया, है ना,
डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया बाबू, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, यानी कि किसके चेंज में ला रहे हैं, तो डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे, तो यहां पर हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, है ना। और डेल एक्स क्या था, बहुत ही स्मॉल चेंज था, है ना, क्या था, बहुत ही स्मॉल चेंज, एक्स में एकदम स्मॉल चेंज हुआ है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, है ना, यहां भी डेल एक्स आएगा, दोनों तरफ हमने क्या लिया, डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्यों, क्योंकि डेल एक्स जो है वो बहुत ही थोड़ा सा चेंजिंग है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट जीरो के लगभग मान लेते हैं, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। अब आपको अभी अभी आपने चैप्टर पढ़ा है डिफरेंसिबिलिटी, और डिफरेंसिबिलिटी में उसका जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव होता था उसका क्या फॉर्मूला होता था, एफ एक्स प्लस एच होता था ना, वहां एच लेते थे और एच टेंस टू जीरो, यहां पर एच के जगह पर क्या है, डेल एक्स है। तो जरा देखिए वही चीज आ रहा है, तो हमने वहां पर क्या बोला था कि वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अप्लीकेबल होगा जो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये जो है वो डिफरेंशिएबल का भी फॉर्मूला आ गया, यानी कि डीवा बाई डी एक्स इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डीवा बाई डी एक्स, क्लियर है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, क्लियर है। अब हम इसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन को क्या करते थे, प्रूफ करते थे, है ना, कि साइन एक्स का कैसे डिफरेंशिएशन होगा, कॉस एक्स का किस तरीका से डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है, तो ये फॉर्मूला पर लगाकर हम लोग क्या करते थे, निकालते थे। तो चलिए कुछ हम देख लेते हैं यहां पर, प्रूव दैट एफएक्स इक्वल टू, प्रूव दैट वाई इक्वल टू डिफरेंस, प्रूव दैट वाई इक्वल टू प्रूव दैट डी बाय डी एक्स एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन, है ना, ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है। तो ये प्रूफ करना है किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, या आपको इस तरीका से लिख दिया प्रूफ डेट, है ना, जिसको बोलते हैं फ्रॉम द, किससे, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, इससे प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि लेट y इक्वल टू मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, x के पावर n, है ना, जो फंक्शन है उसको मान लेंगे, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या लिखेंगे कि डेल x इज अ स्मॉल चेंज इन x, देन डेल y इज corresponding change in क्या y, क्लियर है, तो y प्लस डेल y इक्वल टू, अब क्या होगा, कहां पर रखेंगे x में, x के जगह पर x प्लस डेल x करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x के पावर n, क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन बाई एक्स के पावर एन बाई डेल एक्स, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डेल एक्स क्या है, टेंस टू जीरो है, और ये क्यों लगाते हैं, डिफरेंसिबिलिटी में इसका अप्रोच सीखे हैं, क्योंकि बहुत ही क्लोजली है वो पी पॉइंट की ओर, दोनों जगह से उसी यूनिट टेंजेंट बनता है वहां पर। तो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन बाई क्या हो गया, डेल एक्स हो गया। अब समझिएगा, एक फॉर्मूला है लिमिट में, है ना, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए आपको लिमिट के बारे में जानना पड़ेगा। तो लिमिट का क्या फॉर्मूला है, लिमिट अगर एक्स टेंस टू ए है और एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बाई एक्स माइनस ए है, तो एन आगे चलाता है और ए के पावर क्या हो जाता है, एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है इतना का, है ना, क्लियर। ये जानते हैं आप कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए है, एक्स के पावर एन है, ए के पावर एन है, एक्स माइनस ए है, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। तो अब जरा देखिए, ये उसी फॉर्म में है, तो फॉर्मूला को हम उस इस सिस्टम को हम फॉर्मूले में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, है ना, डेल वाई बाई डेल डी एक्स लिखा हुआ है, उसको लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसको बनाने की फॉर्म करेंगे कोशिश उस फॉर्म में, डेल एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन बाई क्या हो जाएगा, यहां पर हम डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं बाबू, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्लियर है। अब जरा देखिएगा, हमारा फार्मूला अभी भी उस पर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, लिमिट, है ना, फिर से यहां देखिए, फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए है और एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बाई एक्स माइनस ए है, ये फॉर्म होना चाहिए, एक्स टेंस टू ए, अगर यहां पर ए है तो यहां पर भी ए होना चाहिए, तो वो फॉर्म नहीं है। तो एक्स के जगह पर कौन काम कर रहा है, एक्स प्लस डेल एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट में भी चेंज कर रहे हैं, यहां जरा देखिए, एक्स प्लस डेल एक्स इधर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों दरें हमने क्या किया, इसमें जीरो में एक्स जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा, इधर एक्स प्लस डेल एक्स कर दिए, अब ये जड़ा हो गया डेल वाई बाई डेल एक्स, क्लियर है, और लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। अब देखिए कि उस फार्मूला पर है कि नहीं सेट, एक्स टेंस टू ए है तो एक्स के जगह पर क्या काम कर रहा है, एक्स प्लस डेल एक्स, और ए के जगह पर क्या काम कर रहा है, एक्स, तो एक्स के जगह पर ये काम कर रहा है और ये ए के जगह पर काम कर रहा है, तो इतना का फार्मूला क्या हो जाएगा, इतना का फार्मूला हो जाएगा, एन आगे चलाता है, क्या होता है, एन आगे चलाता है और ए के पावर एन माइनस वन हो जाता है, ठीक है, तो n आगे चलाएगा
और ए के जगह पर क्या है बाबू एक्स, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और इतना को क्या बोलते हैं डीवा वाई डी एक्स, डीवा वाई डी एक्स, तो डीवा वाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला आ गया, क्लियर है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा इसको आप, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आ गया, डीवा वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि अगर कहीं पर y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं डीवा वाई डी एक्स करते हैं, या इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन को y डैश लिख सकते हैं, या इसको हम y वन भी लिख सकते हैं है ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ डीवा वाई डी एक्स, इसका मतलब ही वही हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डैश का मतलब भी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, वाई वन के मतलब यानी कि बुक के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कहीं पर वाई वन लिखा हुआ रहेगा तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि वाई वन के जगह पर ही क्या होगा डिफरेंशिएशन, और यहां पर क्या हो गया इसका एफ डैश एक्स, यानी कि डीवा वाई डी एक्स और वाई डैश इक्वल टू और बराबर क्या हो जाएगा वाई वन इक्वल टू एफ वन प्लस एक्स एफ डैश एक्स। अब अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएशन करें, क्या करें डबल डिफरेंशिएशन करें, जिसको हम डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, डी टू वाई बराबर डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम y डबल डैश लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे y टू लिखेंगे, और यहां पर क्या हो गया f डबल डैश। इसी प्रकार से अगर हम इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू या y ट्रिपल डैश और y थ्री, तो इसको f ट्रिपल डैश एक्स बोलेंगे, क्लियर है। तो इसको नोट कीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट डी वाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको प्रूफ करके दिखाना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो चलिए वही लॉजिक लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर है, जो फंक्शन है उसको हम मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे डेल एक्स इज अ स्मॉल चेंज इन x एंड डेल वाई इज अ स्मॉल चेंज इन वाई है ना। तो आपको बताएं
अब यहाँ पर जब ऐसा करेंगे, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। सारे क्वेश्चन को इसी तरीका से बहुत इजी वे में आप प्रूफ कर सकते हैं, जितना भी डिफरेंशिएशन है हम बता रहे हैं, इलेवेंथ में भी हमने बताया है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, और इस पर काफी क्वेश्चन करीब इलेवेंथ में कम से कम हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से 30 क्वेश्चन के आसपास हमने प्रूफ किया है। सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का, टेन एक्स का, साइन टू एक्स का, कॉस थ्री एक्स का, रूट एक्स का, रूट एक्स प्लस फाइव का, जितना तरह का सवाल है उस सब का फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने उसको प्रूफ किया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा ताकि इससे आपका कैलकुलेशन लिमिट का कुछ पोर्शन आपको ध्यान में रहे। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी में भी लिमिट का हमको जरूरत पड़ी, तो आगे जो चैप्टर है उसका आगे अच्छा चीज अच्छा क्वेश्चन बनाने में आपका लिमिट का काफी ज्यादा यूज होता है, तो आप उसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए कम से कम। तो चलिए नेक्स्ट है y प्लस डेल y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन x प्लस डेल x, x प्लस डेल x, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। सेकंड में फर्स्ट को सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा, डेल y, है ना, ये माइनस हो जाएगा। अब तो इतना जान रहे हैं, ये हो गया साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, डेल x से डिवाइड देंगे, तो साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x बाई डेल x। अब क्या करेंगे, डेल x काफी स्मॉल चेंज है, तो डेल x टेंस टू जीरो बोथ साइड, डेल x टेंस टू जीरो, डेल y बाई डेल x, डेल y बाई डेल x टेंस टू जीरो, साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x बाई डेल x, क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन आ गया पूर्णरूपेण लिमिट का, कि अब कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहां पर उठा के लिमिट का क्वेश्चन का क्या कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फंक्शन में वैल्यू उठाकर पुट करते हैं, और वैल्यू उठा के पुट करने से मेरा लिमिट का फॉर्म पता चलता है कि मेरा लिमिट किस फॉर्म में है। लिमिट का कितना टोटल फॉर्म हमने बताया था, 7 फॉर्म बताया था, तो सारा स्टेप बाय स्टेप बनता है कि अगर लिमिट का फॉर्म 0/0 हो तो क्वेश्चन को किस तरीका से डील करेंगे, अगर मेरा क्वेश्चन ∞/∞ हो तो किस तरीका से उसको डील करेंगे, अगर क्वेश्चन 1/∞ हो तो उसको हम कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, तो सभी का अलग अलग तरीका था सॉल्व करने का, है ना। तो चलिए यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू जीरो है, और साइन का केसेज है या टेन का केसेज है, तो उस वाले लॉजिक में हम ये लगाते हैं कि ऐसा क्या करें कि लिमिट अगर थीटा टेंस टू जीरो है तो साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए, या लिमिट थीटा टेंस टू जीरो है तो टेन थीटा बाई थीटा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट शुड बी थीटा टेंस टू जीरो, तो साइन थीटा बाई थीटा का मान 1, लिमिट शुड बी थीटा टेंस टू जीरो, तो टेन थीटा बाई थीटा का मान 1 होता है। तो क्वेश्चन को हम उस फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट वैल्यू उठाकर पुट करते हैं तो वो लिमिट का फॉर्म चेक होता है, वो 7 फॉर्म में चला जाएगा, तो अगर पुट करने पर कोई फाइनाइट वैल्यू आता है तो वही उसका लिमिट का आंसर होगा, लेकिन पुट करने पर फाइनाइट नहीं अनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो उस केसेज में हमें लिमिट के सवाल को सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू जीरो पुट करते हैं तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, नीचे जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, यानी कि क्वेश्चन को हमें ऐसा अप्रोच लगाना होगा। इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं, हम ऐसा कोशिश करते हैं, इस तरीका का लॉजिक दिमाग में लगाते हैं कि ऐसा हम क्या काम करें कि मेरा डिनोमिनेटर में जो डेल एक्स है, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, तब जाकर मेरा रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो जरा देखिए, इतना को हम सी मान लेते हैं, इतना को डी, तो ये हो गया फॉर्मूला किस पर, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। सी के जगह पर यह है, यानी कि एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई टू बाई डेल एक्स। क्लियर है? यहां जरा देखिए, माइनस एक्स है, प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा यहां पर क्या चलेगा, इतना के जगह पर हम क्या लिख दें, dy बाई डी एक्स। अब ये हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। लिमिट कब तक चलता है, जब तक कि उसमें वैल्यू पुट नहीं करते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो अब क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स एक्स टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू साइन डेल एक्स बाई टू बाई डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब हम क्या कोशिश करेंगे, अब देखेंगे फिर से कि कहां हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर हम यहां पर वैल्यू उठा के पुट करें, जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, टू एक्स बाई टू कट के एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स से दिक्कत नहीं है, क्या चीज से दिक्कत है, डेल एक्स से दिक्कत है। तो इसे कॉस में इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर हो रहा है, यहां उठा के रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का मान जीरो। एक यहां दिक्कत है और एक यहां दिक्कत है। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो तो, और साइन का केसेज हो तो हम क्या कोशिश करते हैं, साइन थीटा बाई थीटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम वैसे ही छोड़ दिया, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू। क्लियर है? इतना बाई इतना इतना। अब हम इसको फॉर्म बना देंगे इस तरीका से, देखिएगा, साइन डेल एक्स बाई टू है ना। तो अगर डेल एक्स बाई टू ये है तो डेल एक्स बाई टू डिनोमिनेटर में भी रखेंगे, है ना, जो अगर साइन थीटा के साथ जो है वही थीटा यहां पर होना चाहिए। तो जरा देखिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे डेल एक्स तो पहले से मेरे पास मौजूद था, फालतू यहां पर क्या हुआ टू, यानी कि टू अगर यहां पर हम रख दें तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमने वन बाई टू जो है से फालतू किया है। अब ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसमें अप्रोच लगाते हैं, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पर जीरो, और इतना का मान अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो साइन डेल एक्स बाई टू डेल एक्स बाई टू क्या होगा, वन होगा, इतना का मान वन हो जाएगा। तो आंसर आ गया कॉस एक्स, यानी कि इससे हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है हम कॉस एक्स को भी प्रूफ कर सकते हैं, टेन एक्स को भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना, x प्लस फाइव के पावर 10 को भी प्रूफ कर सकते हैं। सारे को प्रूफ करने का यही तरीका है, हम उस फंक्शन को मान लेंगे, फिर लिखेंगे कि x में थोड़ा सा चेंज हुआ, स्मॉल चेंज इन x, देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज स्मॉल चेंज इन y, देन y इक्वल टू एक्स वाई प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। फिर क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद सबस्ट्रैक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड देंगे। सारे क्वेश्चन में ये अप्रोच लगेगा, फिर जब उतना हो जाएगा तो डेल एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे, और डेल एक्स टेंस टू जीरो के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कॉस एक्स होगा। चलिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना। आपको प्रूफ तो किए ही, लेकिन फार्मूला आपको याद रहना जरूरी है, बिना फार्मूला के काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे चल करके हम लोग क्लास ट्वेल्थ में प्रूफ नहीं करना है, क्लास ट्वेल्थ में फार्मूला को डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, है ना, एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए फार्मूला। तो चलिए पहला फार्मूला देख रहे हैं, जो हमने प्रूफ किया d बाई डी एक्स एक्स के पावर n, किसका, x के पावर n का। तो क्या था बाबू, n आगे चला आएगा, x के पावर
n माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट टू d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स। नंबर थर्ड d बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बाबू, माइनस साइन एक्स। d बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक एक्स माइनस कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है। नंबर एट डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का वन, ये कहां से आता है, इस जगह इसी फॉर्मूला से यूज में आता है, लेकिन इतना बार यूज में आता है कि आप इसको याद कर लीजिए। कैसे आता है हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इतना बार आएगा कि आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर नाइन डी बाई डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स है ना, इसका क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, ये भी जो है वो इसी फॉर्मूला से आता है, ये भी इतना बार आता है। इस पर काफी सारा क्वेश्चन सेट करके बनाते हैं, तो आप इसका याद रखिएगा। जैसे रूट साइन एक्स, तो वन बाई टू रूट साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स का होगा, लेकिन जो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के आधार पर सेट होता है, तो आप याद रखिए ताकि क्वेश्चन को हम फास्टली बना सके। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये भी वहीं से आता है। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स सी, सी का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स। डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। नंबर 16 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स है ना वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला आपको क्लास इलेवेंथ में भी बताया गया था, और यहां भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट 19 डी बाई डी एक्स साइन हो गया कॉस टेन, डी बाई डी एक्स कॉट कॉट इनवर्स एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स वन बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस वन बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो आपको एकदम याद रहना है किसी भी कीमत पर। अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए यह फॉर्मूला को एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बेसिक से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। आपका क्या था फॉर्मूला, x के पावर n का क्या था, n x के पावर n माइनस वन। अब इस पर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेट करते हैं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि dy dx x, हमने बताया कि dy dx का वन होता है, लेकिन कैसे होता है ध्यान से देखिए क्या होता है। इस पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, वन है, वन आगे आ जाएगा और x के पावर वन माइनस वन, वन इंटू एक्स के पावर जीरो इंटू किसी के पावर जीरो, उसका वैल्यू वन आ गया, है ना। लेकिन x का इतना बार आएगा कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट dy dx रूट एक्स, रूट एक्स डेट मीन्स ए डीवाई डी एक्स, एक्स के पावर हाफ, तो क्या होगा, वन बाई टू आगे चलाएगा और एक्स के पावर वन बाई टू में एक माइनस करेंगे तो वन बाई टू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू, ये नीचे लेके चलाएंगे तो एक्स के पावर वन बाई टू, जिसको हम लिख सकते हैं वन बाई टू रूट एक्स। क्लियर है, यानी कि ये भी आपको प्रूफ करके हमने दिखाया कि रूट एक्स का, लेकिन हम याद रखेंगे इसका कि रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। इस पर काफी सारा क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छा क्वेश्चन जो आपको बनाने में काफी इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट डी वाई डी एक्स, अगर x के पावर फोर है तो क्या होगा, फोर इंटू एक्स, ये कम जाएगा क्यू। नेक्स्ट डी वाई डी एक्स, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, छोटा छोटा पॉइंट से, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट डी वाई डी एक्स, एक्स के पावर 50, तो 50 एक्स के पावर 49। निगेटिव में कुछ हम देख लेते हैं, डी वाई डी एक्स, एक्स के पावर माइनस सेवन आगे आएगा, एक्स के पावर माइनस सेवन में एक माइनस हो जाएगा तो माइनस सेवन एक्स के पावर माइनस एट, जिसको हम मिला के लिख सकते हैं माइनस सेवन बाई एक्स के पावर एट। उसी प्रकार से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, निगेटिव में एक्स के पावर -21, तो -21 आगे आ जाएगा, एक्स के पावर -21 -1, तो एक्स के पावर -21 इंटू एक्स के पावर -22, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 1 बाय एक्स के पावर 22। इस तरीका से हम क्वेश्चन को, तो अभी हम फार्मूला नंबर किस पर, वन पर हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे थे टाइप बाय टाइप, जो इस तरीका से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना, उसको आप तोड़ सकते हैं। आगे और देखिए, एकदम बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कुछ फ्रैक्शन में देख लेते हैं, एक्स के पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, 3/2 आगे आ जाएगा और एक्स के पावर 3/2 -1, तो 3/2 आगे आ गया और x के पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 7/5 है, 7/5 को आगे कर दिए तो x के पावर 7/5 -1, है ना, तो 7/5 x के पावर 2/5। इसमें भी कुछ निगेटिव में देख लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर -2/3, तो क्या होगा, -2/3 को हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे और एक्स के पावर -2/3 में एक माइनस हो जाएगा तो -2/3 और ये हो गया इंटू एक्स के पावर, ये यहाँ चलाएगा तो -2 -3/3 यानी कि -2/3 एक्स के पावर कितना, -5/3। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डी वाई डी एक्स, एक्स के पावर -8/5, तो -8/5 आगे आ गया, एक्स के पावर -8/5 -1 यानी कि -8/5, क्लियर है, और एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर -13/5 हो जाएगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करके नीचे ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीका से क्वेश्चन को बनाना है, समझ में आ रहा है। लोग आगे देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। पहला एप्लीकेशन है कि डी डी एक्स, ठीक है, ये प्रूफ भी हुआ था 11th क्लासेज में, आपको रूल याद रखना है, डी डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स
प्लस माइनस एच एक्स एंड सो ऑन, इस तरीका से है। यानी कि अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो किसी पार्टिकुलर का, लेकिन अब डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे एड में या सबस्ट्रैक्ट में। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है एप्लीकेशन के अनुसार, कि आप इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। यानी किस तरीका से लिख सकते हैं, डी डी एक्स एफ एक्स प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, डी डी एक्स जी एक्स प्लस माइनस, डी डी एक्स एच एक्स प्लस माइनस एंड डॉट डॉट डॉट। यानी कि प्लस माइनस एनी टाइम नहीं लगाना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल कराएंगे, लेकिन पहले सारा एप्लीकेशन को एक साथ लिख लेते हैं और फिर जितने भी एप्लीकेशन हैं उस एप्लीकेशन पर टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला एप्लीकेशन क्या था कि अगर बहुत सारा है तो आप उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डी डी एक्स के इंटू एफ एक्स, क्या है के इंटू एफ एक्स है, कोई फंक्शन है उसमें किसी स्केलर से हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है के कांस्टेंट बाहर हो जाता है और डी डी एक्स किसका करेंगे एफ एक्स का। तो एफ एक्स का हमने आपको बताया है क्या होता है एफ डैश एक्स। नेक्स्ट है डी डी एक्स, यहां ध्यान दीजिएगा कोई फंक्शन में आउटसाइड में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एफ के एक्स, ये के फंक्शन के आउटसाइड था, ये के फंक्शन के इनसाइड है। तो इस केसेज में हम लोग क्या करते हैं, पहले इतने का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका के एक्स का। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना, या इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो चैन रूल से किया जाता है। लेकिन चैन रूल से भी हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड में, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आपको बताएंगे भी कि ये क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी आप ध्यान में रखिए। तो पहले किसका करेंगे केक्स का, तो केक्स का के हो जाएगा क्योंकि इसके अनुसार से के इंटू एफ एक्स के अनुसार से के बाहर, यानी कि केक्स है तो के बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। और फिर एफ का क्या हो गया एफ डैश, लेकिन एफ डैश के बाद फिर कोई एक्स लिखते हैं, एक्स नहीं लिखाएगा केक्स लिखाएगा, क्योंकि आपके फंक्शन में आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन के एंगल में क्या है केक्स है। तो पूरा जैसे मान लीजिए कि यहां पर साइन थ्री एक्स है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस थ्री एक्स तो लिखाएगा और एक्स्ट्रा होगा, लेकिन थ्री एक्स लिखाएगा, क्योंकि ये नहीं है कि कॉस साइन थ्री एक्स का कॉस एक्स के रूप में हो जाए, नहीं, एंगल में जो है उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे एफ के एक्स है तो पहले किसका, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है तो पहले किसका करेंगे के एक्स का, तो के एक्स का क्या हो गया के, जब इतना का हो गया तो फिर एफ का करेंगे तो एफ डैश के एक्स। नेक्स्ट डी डी एक्स इसी प्रकार से है के एक्स प्लस सी, तो सेम इसी प्रकार से पहले कितने का करेंगे के एक्स प्लस सी का, तो के एक्स का के हो गया, सी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, जब इतना का हो गया तो एफ का फिर क्या हो जाएगा एफ डैश, और इसके बगल में क्या है के एक्स प्लस सी, तो ये पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट और देख के आपको समझाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन हो सकते, तो पहले कितने का करेंगे इस वाले पार्ट का करेंगे, किसका इस वाले पार्ट का करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा ए बाहर हो जाएगा, क्लियर है, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया टू एक्स प्लस, प्लस है तो प्लस, बी का क्या हो गया बी एक्स का बी हो गया और सी का जीरो हो गया, इतना हो गया। जब इतना का हमने कर लिया तो फिर किसका करेंगे एफ का, तो एफ डैश हो गया और पीछे वाला पूरा लिखा जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम मिलाकर लिख सकते हैं क्या टू ए एक्स प्लस बी एफ डैश ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है। तो ये तीनों जो था थ्री फोर फाइव
तीनों एक ही एप्लीकेशन है इसको, लेकिन हमने तोड़ तोड़ कर आपको बताया ताकि समझने में आसान हो। और हम बता रहे हैं बार बार कि इस पर आपको सवाल बताया जाएगा कि अगर ऐसा टाइप पर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इस तरीका से रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका है लास्ट, और ये भी चैन रूल से ही बनता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डी बाई डी एक्स साइन के पावर एन एक्स हो, कॉस के पावर एन एक्स हो, है ना, टैन के पावर एन एक्स हो, सेक के पावर एन एक्स हो, कॉसेक के पावर एन एक्स हो, है ना, या कॉट के पावर एन एक्स हो, है ना। अभी तक हम डिफरेंशिएशन जान रहे थे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर एक्स का यानी कि साइन पर पावर कॉस पर पावर, है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसका भी प्रूफ हम चैन रूल से ही जो है से आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि यह तब इस्तेमाल होता है जब हम दिखाएंगे चैन रूल से, तब जब किसी क्वेश्चन में पार्टिकुलर में दिया हुआ रहेगा कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स देन फाइंड dy बाई dx। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाने के बीच में अगर वो आता है तो फिर उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट इस स्टेप का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन के पावर एन एक्स है तो क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, साइन के में एक माइनस हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए, एन आगे आ गया कॉस के पावर एन माइनस वन एक्स, कॉस एक्स का करेंगे तो फिर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये जरा देखिएगा, एन आगे आ जाएगा टेन के पावर एन माइनस वन एक्स, और फिर टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो इस तरीका से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, कैसे, एन आगे चलाता है, एक पावर कम हो जाता है, फिर साइन एक्स का। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप कहिएगा कि एक्स के पावर थ्री था तो इसका भी तो होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था, यहां भी हुआ था लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। जैसे x के पावर q तो क्या किए थे, 3 आगे आ गया था, और एक पावर कम हो गया था तो 2 हो गया, और फिर x का हुआ था, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ था, x का हुआ था, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 होता था इसलिए हमें पता नहीं चलता था। लेकिन यहां पर x नहीं है, अब x के जगह पर sin x है, यानी कि फंक्शन में इंक्लूड है वहां पर साइन एक्स, तो पहले क्या होगा, एन आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, और फिर हम साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो आज आपका ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, और रोज घर पर इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और डिफरेंशिएशन जितना बेस्ट होगा आपका इंटीग्रेशन उतना ही बढ़िया होगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही बढ़िया होगा, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा यदि आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि 11th क्लासेज में जो हम लिमिट पढ़ाए हैं या डिफरेंशिएशन और 11th क्लासेज में पढ़ाए हैं उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर